बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। इस वक्त कनाडा के स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है, जो उनको ऑफर लेटर मिली है क्या वो असली है, क्या उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, वो फेक तो नहीं है, क्योंकि 700 के करीब हमारे स्टूडेंट्स रिपोर्ट होने के लिए हुक्म हुए हैं कनाडा में। अब हमारे साथ देश के जाने माने स्टूडेंट वीज़ा एडवाइज़र जसमीत भाटिया जी, जो लैंडमार्क इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जसमीत जी से आज जानेंगे कि जिन स्टूडेंट्स के पास भी ऑफर लेटर है, कैसे पता लगता है कि वो ऑफर लेटर असली है या वो फेक है, कौन से मेथड हैं, कौन से तरीके हैं जिससे आप घर बैठे अपनी ऑफर लेटर को पता कर सकते हैं। जसमीत जी से ये सारे पॉइंट्स समझते हैं। अगर आपने भी ऑफर लेटर अप्लाई करनी है तो जसमीत जी के इस शो को बड़े ध्यान से सुनिए। 90413-90412 पे आप बात भी कर सकते हैं। जसमीत जी आपका बेहद स्वागत है। हेलो एवरीवन। जसमीत जी, कैसे पता लगे कि ऑफर लेटर जो आई है वो असली है या नकली है? आप जब असली ऑफर लेटर दिलवाते हैं तो क्या प्रोसेस उसका होता है? तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, आज की डेट में आपको बताऊंगा कि बहुत ही कम एजेंट हैं जो डायरेक्टली कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो असली नकली की तो तब बात है कि जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं ऑफर लेटर। तो मैंने हमेशा ही अपने शोज़ में कहा है कि स्टूडेंट के पास इंटीमेशन आती है जब आपकी ऑफर लेटर अप्लाई होती है, आपको कन्फर्मेशन आती है कि आपकी ऑफर लेटर अप्लाई हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, आपके पास इंटीमेशन आती है कि आपकी ऑफर लेटर अप्लाई हो गई है। आपको जब इंटीमेशन आती है आपके ईमेल आईडी पे, तो आपको पता लगता है कि ये ऑफर लेटर पेमेंट कंफर्मेशन हो गई है और आपकी ऑफर लेटर आ चुकी है। तो आप अपने एजेंट को कह सकते हो कि वो अपने पोर्टल से डाउनलोड करके आपको दे दे। सो नॉर्मली ये जो इंटीमेशन है, अगर आपके ईमेल आईडी पे आ रही हैं, तो आपको एक कई कॉलेजेस तो ऐसा भी है कि आपका अकाउंट क्रिएट कर देते हैं अपने स्टूडेंट पोर्टल पे। सो यू कैन सी कि कौन से सब्जेक्ट्स में आपने पढ़ना है, कौन सी फैसिलिटीज कॉलेज आपको देगा। सो इन सारी चीजों का स्टूडेंट को पता लग जाता है जब वो डायरेक्टली जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉलेजेस, उनके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। सो नॉर्मली मैं बताऊं कि कनाडा की डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम एजेंट हैं जिनके पास है। सो लोग वाया 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 आगे से आगे से आगे से आगे अप्लाई करते हैं, सब एजेंट से अप्लाई करते हैं। यस। तो डायरेक्ट एजेंट से बेनिफिट क्या रहते हैं? तो नॉर्मली वही जो इन्फॉर्मेशन है कॉलेजेस की, वो आपके डायरेक्ट ईमेल आईडी पे आएगी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो दी गई है कॉलेज की तरफ से, वो आपको पता लगती रहेगी कि बाय दिस डेट यू हैव टू रजिस्टर इन द कॉलेज, बाय दिस डेट यू हैव टू सेंड योर पासपोर्ट वीजा कॉपी टू द कॉलेज, इफ यू मिस दैट डेट देन यू हैव टू डेफर, आपके इतने पैसे रिफंड हो गए इन केस ऑफ रिफ्यूजल, ऑल इन्फॉर्मेशन विल कम ऑन योर ईमेल आईडी। सो बेनिफिट ये भी है कि सपोज, मैंने तो सुना है कि जब आप हमारे साथ अप्लाई करते हैं और अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमें दे देते हैं, तो वी अप्लाई विद इन 24 आवर्स, मतलब कि हम सेम डे एप्लीकेशन अप्लाई करके आपको कंफर्मेशन नंबर दे सकते हैं। एंड नॉर्मली आप किसी सब एजेंट से अप्लाई करेंगे तो वो महीना, 15 दिन 20 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे, वो डायरेक्टली नहीं अप्लाई करते हैं, वो ढूंढते हैं कि इससे अप्लाई करें, उससे अप्लाई करें। कई बार जो सब एजेंट हैं वो अपना ईमेल आईडी दे देते हैं जसमीत जी, उसका नुकसान क्या रहता है? सो बच्चे के साथ कोई भी उसके इंट्रैक्शन नहीं रहेगी, बच्चे को कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा जो कॉलेज से आ रहा है, कि चाहे वो इंटीमेशंस आ रही हैं डेफर या रिफंड डेट की, चाहे वो इंटीमेशंस आ रही हैं कॉलेजेस वेट लिस्ट हो गया आपका प्रोग्राम, कोई और प्रोग्राम लिया जाए, या कोई भी इंटीमेशन जो कॉलेज की तरफ से आएगी वो नहीं मिलेगी। एंड कॉलेजेस इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि स्टूडेंट को डायरेक्ट ईमेल आईडी बिल्कुल होना चाहिए उनका, अदरवाइज कॉलेजेस डोंट लाइक इट कि इंफॉर्मेशन बच्चे के पास नहीं जा रही है। पीछे ऐसा कुछ हुआ भी था तो एजेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और स्टूडेंट्स के लिए एक बात बड़ी जरूरी है, जसमीत जी ने जो शो शुरू होने से पहले मुझे कही कि हर स्टूडेंट के पास अपना एक परमानेंट ईमेल आईडी होना चाहिए। आपको एक ऐसा ईमेल आईडी रखना है जिसको आप थ्रू आउट लाइफ एक्सेस करें, ताकि जब से आपको ऑफर लेटर रिसीव हुए हैं वो पूरा प्रोसेस आपके पास रिकॉर्ड में रहना चाहिए। क्योंकि अब जो स्टूडेंट्स डिपोर्ट हो रहे हैं, जब वो वर्क परमिट की स्टेज में आ गई, पीआर की स्टेज में आ गए, तब उनकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो रही है। सो कनाडा में दिया जाने वाला डॉक्यूमेंट आपको हमेशा अपने पास रखना है, और हो सके तो उसकी एक कॉपी आप अपने ईमेल में भी स्टोर करके रखिए। जसमीत जी, डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना और असली डॉक्यूमेंट लगाना और फेक डॉक्यूमेंट ना लगाना, ये अब कितना ज़रूरी हो गया? तो देखो, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं सहम जाना चाहिए, बिकॉज
आपके सामने ही है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका फेक पाया गया, जैसे कोई स्टूडेंट कहता है किसी एजेंट के पास जाता है, वो कहता है यार 20,000 रुपया दे दे, ये फेक डॉक्यूमेंट बना ले अपनी फाइल में, इसका वीज़ा आ जाएगा। वीज़ा तो क्या आएगा, उसका ज़्यादा नुकसान है आपको, बिकॉज आपका बैन लग सकता है, और सपोज बैन भी नहीं लगेगा और इंक्वायरी बैठती है तो कल को आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, आपके सामने ही है। सो कोई भी फेक डॉक्यूमेंट अपनी फाइल में लगाना इज रियली रियली हार्मफुल टू योर फाइल, और जितना ऑनेस्टी से आप अपनी फाइल लगाएंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपको फ्यूचर में, और वीजा भी उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है जो ऑनेस्टी से अपना फाइल लगाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। सो अब ये बड़े इंपॉर्टेंट टिप्स हमारे साथ शेयर किए हैं जसमीत जी ने, मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे और जेन्युइन तरीके से अपनी ऑफर लेटर को अप्लाई भी करेंगे और उस पर नजर भी बना के रखेंगे, और कोशिश करिए कि उस कंसल्टेंट या एजेंट या कंपनी के थ्रू आप अप्लाई करिए जो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं कनाडा को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।